वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। आज के हमारे बड़े मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक भी है वो भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम उसमें लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। आज हम पामस्ट्री की बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। हमारे पास मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद अली जो कि एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ सैयद अली जैदी होंगे हमारे साथ जो एस्ट्रो पामिस्ट हैं। एस्ट्रो उनको हम वेलकम करेंगे। पहले तो ये टर्म्स जो है ना, मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हूँ उनमें, मैं खुद भी पूछूंगी। सबसे पहले तो डॉक्टर मोहम्मद अली, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले तो एस्ट्रोनोमोलॉजी की बात कीजिए, बेसिकली ये टर्म है क्या? एस्ट्रो जो है दैट रिलेट्स टू द स्टार्स। ठीक है, ठीक है। इस तरह से स्टार्स एंड प्लैनेट्स, सात प्लैनेट्स हैं, उनके अंदर जो हैं वो 12 स्टार्स हैं, और सेवन प्लैनेट्स जो हैं उनका एक खास अरेंजमेंट है। सबसे ऊपर जो है वो सैटर्न है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, फिर सन है, फिर इस तरह से बाकी, यानी स्टार्स को लेकर ये प्लैनेट्स हैं, इनके अंदर जो है मुख्तलिफ स्टार्स हैं। सही हो गया। और ये इसकी एक आप समझ लें कि रॉ डेफिनेशन है कि दिस इज What astrology is. अब इससे related जो मामलात हैं, हमने उनको देखना होता है, तो that is called astro reading. Astro reading. और जिस वक्त हम इसको combine कर देते हैं numbers के साथ, क्योंकि हर star जो है that is being governed by a specific planet, और हर planet और हर star को govern करता है, ये हर स्टार और हर प्लैनेट गवर्न करता है एक नंबर को। नंबर को, ठीक है। हर नंबर जो है इसकी एक अपनी तासीर है। ठीक हो गया। ठीक है जी। चार एलिमेंट्स होते हैं, आबी, बादी, आतिशी और खाकी। तो हर जो प्लैनेट है उनकी भी तासीर है, और हर प्लैनेट जो जिस अदद के साथ रिलेट कर रहा है उसकी भी एक तासीर है। अब नामों को, मामलात को, हालात को, वाकियात को जब हम एनालाइज करते हैं तो उन स्टार्स को देखते हैं, उनकी तासीरों को देखते हैं और उनकी पोजीशंस को देखते हैं, और फिर हम रीडिंग देते हैं। तो दिस इज एस्ट्रोनोमोलॉजी। लवली लवली। अच्छा, हम स्टार्स का पर्सनालिटी के साथ ऑब्वियसली आपके तमाम रोजमर्रा जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। कुछ लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा भी समझते हैं, कुछ इनके साथ साथ अपनी रूटीन को लेकर चलते हैं, और कुछ बिल्कुल भी इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखते। दोनों केसेस में हम किस तरह से इसको बताते होते हैं और इसके लिए क्या स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर होती है बेसिकली? देखिए जी, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिलेटिविटी है लोगों की, they are not very firm believers of this. Exactly. वो कहीं शिर्क की बात आ जाती है, कहीं इसकी बात, कहीं उसकी बात, कहीं reservations होती हैं। बैक स्टेज के ऊपर आप चीज़ें पूछ भी रहे होते हैं, फ्रंट के ऊपर आप कई लोग जो हैं वो जा कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं। अच्छा, अब होता ये है कि यहाँ की तो चले हमने बात की, मेरी प्रैक्टिस है यूरोप की, मिडिल ईस्ट की, मलेशिया की, तो वहाँ पे बाकायदा लोग जो हैं वो आपसे टाइम लेते हैं, आपकी जो भी मतलब फी होती है वो पे करते हैं, एंड देन दे कम टू यू। उसका तरीका ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई होती है, जो गोरा है वो बड़ा पर्टिनेंट है इस मामले में, वो आपकी वेबसाइट को देखता है, आपकी अचीवमेंट्स को देखता है, अगर उसको कोई चीज क्लिक करती है तो फिर वो आता है आपके पास, और जब वो आता है आपसे वो गाइडलाइन लेता है। बिल्कुल। ये लोग अपने करियर के बारे में, ये लोग अपनी हेल्थ के बारे में, बच्चों के बारे में सब गाइडलाइन लेते हैं। तो ये तो यहाँ ये तो एक है तरीका। अब जो लोग नहीं मान रहे होते स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ ईस्ट एशिया, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, उसमें ये होता है कि अगर आप पास्ट को रीड करके थोड़ा बता देते हैं कि पास्ट में ये चीज़ें रही हैं, तो देन दे स्टार्ट कनेक्टिंग कि हाँ ये ठीक बता रहे हैं, तो चलें हम इनसे इसके हवाले से भी, पामिस्ट होना और एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट करना, ये इसको हम टर्म को जानेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि हर एक नंबर का के ऊपर एक सितारा उसको रंग दे रहा होता है, तो ऐसा ही कुछ पामिस्ट्री के साथ है। पामिस्ट्री को हाथों का इल्म बोला जाता है, हाथों के ऊपर ये सात उभार हैं और सात ही सितारे हैं, तो हर बुर्ज उसके साथ, हर सितारा उसके साथ रिलेटेड होता है। जबकि हाथ पर मुख्तलिफ किस्म की लकीरें हैं जिससे इंसान अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में जान सकता है, और ये भी सितारों से मुतलका ही इल्म है।
और जो ये एस्ट्रोलॉजी होती है उसके लिए डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर होती है, नंबर नंबरियोलॉजी के लिए जो इल्मुल आदाद हैं, जो इल्मुल हरूफ हैं, उनके लिए रिक्वायर होता है नाम। जबकि कुछ, अब जाहिर सी बात है हर इंसान को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, और कुछ ऐसे होता है किसी ने लेट लिखाई होती है, किसी ने पहले लिखाई होती है। पामिस्ट्री में इस किस्म का कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ जस्ट आपके हाथ के प्रिंट चाहिए, आपके हाथ की तस्वीर चाहिए या आपका हाथ चाहिए बस, और उसमें ना नाम चाहिए ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो आपको सभी कुछ इसी पर ही, जिंदगी के सारे मामलात इसी पर ही आपको नजर आ जाएंगे, जिसे सेहत है, फ्यूचर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको इसी के ऊपर ही मिलेंगे। और अब जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि आपने भी पूछा उनसे कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कुछ नहीं करते, हम जिंदगी के इस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि इल्म अलूम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अब हमें आने वाले का भी पता है और जाने वाले का भी पता है। किसी के यहाँ खुशी होनी हो तो डॉक्टर डेट दे देते हैं कि आप फलां तारीख को आ जाइए, ये बेटी है या बेटा है, ठीक है। और अब कोई मरीज हो तो डॉक्टर कह देते हैं बस अब आप इसको अपने रिश्तेदारों से मिला लीजिए। अब अलूम इस नहज पर पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं मानना तो नहीं माना। वो तो जाहिर है, डेफिनेटली हर एक के अपने बिलीव्स हैं, अपना क्राइटेरिया है, सोचने का अंदाज है। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद जी, हम चूंकि बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी, जैसे मेरा एक्सपीरियंस आपका आपके साथ इस तरह से, इनका मैंने पढ़ा जनाब, ये कॉफ़ी है, आप उस कॉफ़ी की एक सिप लेते हैं तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है, इनको अंदाजा हो जाता है कि वो थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता देते, इस तरीके को क्या कहते हैं, मैं जानना चाहूंगा। ये मुझे नहीं पता था कि आपने, मुझे याद है, बिल्कुल मैंने पढ़ा है। तो उसमें ये है कि टर्किश कॉफी होती है, लवली, ठीक है, टर्किश कॉफी होती है और उसको एक खास तरीके से बनाया जाता है, और लेट से आपको मैं कहता हूँ कि आप एक सिप ले लें, ठीक है, ठीक है, उसके बाद वो कॉफी जो है वो मैंने रख लेनी अपने पास। कॉफी को मैंने एक सॉसर है उसके अंदर मैंने इंसर्ट कर देना है, अब उस सॉसर को भी रख देना है और कॉफी वाला जो मग है उसको भी रख देना है। जब उसको मैंने उल्टाया है तो उसके अंदर लाइनिंग्स बनी है, ठीक है, अच्छा अब वो लाइन्स बन गई हैं, उसके अंदर जो कॉफी है सॉसर के अंदर वो भी थोड़ी सी ना जम रही है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अराउंड 40 to 45 मिनट्स, ठीक है, अच्छा अब वो फिक्स हो गई। अब उसके अंदर ये होता है कि सिंबल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, और ये आर्ट जो है दैट आर्ट आई हैव लर्नड फ्रॉम टर्की, लवली, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया का एक मुल्क है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया वहाँ से, और मोरक्को, ठीक है, तो ये बहुत पुराना है, ये आर्ट है तकरीबन 1600, अच्छा, सन 1600 से ये चल रहा है, और ये एक साइंस है, और इसके सिंबल्स होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 18, 18 सिंबल्स भी होते हैं एंड दे गो अप टू 52 सिंबल्स। अब उनको रीड करके उससे सारा आपका जो है वो उसके अंदर। डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है जनाब, हम लाइव कॉल्स लेंगे, हम इन्फॉर्मेशन, आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, या जो भी आप इनसे कोई क्वेश्चन अपनी जिंदगी हेल्थ के हवाले से, ये आपसे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम आपको उसी वक्त बता सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।